मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 15 मई 2018। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 17 से 27 तक। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलिसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे ये कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा, तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक कष्ट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं ये नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वे कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 11 तक। ये सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वे घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वे उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया। वे तेरे ही थे,
तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। वे सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वे संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर ये जान गए हैं कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने ये विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वे तेरा है, और जो तेरा है वे मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।